नमस्कार। जॉब के साथ में कंपटीशन की भी तैयारी करनी है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या करें। जॉब भी करनी है और कंपटीशन की तैयारी भी करनी है। पता है ये दोनों साथ में कौन करते हैं? दो तरह के लोग करते हैं, या तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हो, या फिर वो प्रेजेंट टाइम जो जॉब कर रहे हो उससे संतुष्ट ना हो। दो तरह के लोग ही जॉब के साथ में कंपटीशन की तैयारी करते हैं। फर्स्ट वो जिनके आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, जो सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करने के लिए ही बैठे नहीं रह सकते क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं। उनको पता है कि हमारे बैक सपोर्ट नहीं है तो हमें जॉब भी करना है और कंपटीशन की तैयारी भी करनी है, ऐसे लोग वो होते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जो जॉब के साथ कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो होते हैं जो वर्तमान में जो जॉब कर रहे उससे संतुष्ट नहीं होते। उनको पता है कि यार कि हमारा लाइफ हमारा फ्यूचर इसमें नहीं है, तो वो दूसरी तरफ भी जाने की कोशिश करते हैं। वो साथ साथ में जॉब भी करते थे तो कंपटीशन की तैयारी करते थे। तब प्रॉब्लम वहां आती है कि जब जॉब भी करनी है कंपटीशन की भी तैयारी भी करनी, तो कैसे करें, कैसे टाइम मैनेज करें, कैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम मैनेज करें, कैसे परिवार वालों को मैनेज करें, और कैसे हर तरीके से कैसे अपने आप को माइंड कॉन्स्टेंट रख के कॉम्पिटिशन की तैयारी करें, दोनों को मेल कैसे करें, दोनों को तालमेल कैसे बैठाएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, कॉम्पिटिशन की तैयारी करना है और जॉब भी करनी है, अपनी स्थिति भी सुधारनी है। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि तालमेल कोऑर्डिनेशन सही बैठा है। मान लो आपको टीचिंग की जॉब करनी है, मान लो आपको टीचिंग में करियर बना रहे हो, टीचिंग के फील्ड में आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप जॉब भी ऐसे फील्ड में करें जहां टीचिंग का जॉब हो, ये ध्यान रखना। मतलब आपको जाना तो किसी डिफेंस लाइन में है या किसी अदर लाइन में है और आप जॉब किसी और लाइन की कर रहे हो, तो ऐसा मत करना। ऐसा क्या आपके मतलब जो आपका जो कोऑर्डिनेशन है, आपको तालमेल बराबर नहीं बैठेगा। आपको टीचिंग के लाइन में जाना है, आपको टीचर बनना है, कंपटीशन की करके आप लेक्चरर बनना है, कुछ भी करना है, तो आप जो भी टीचिंग लाइन में करें उससे क्या होगा कि आपका जो नॉलेज अपग्रेड होगा ना, आपके जो विषय से रिलेटेड अपग्रेड होगा, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप उसी फील्ड में रहोगे जिस फील्ड में आपको जाना है, तो जो अगर आप जिस फील्ड में आपको जाना है तो आप तालमेल कोऑर्डिनेशन सही बैठा है। आपको जिस फील्ड में जाना है उसी फील्ड में जॉब करते रहें तो आपके लिए सबसे बेटर और सबसे बेस्ट साबित होगा। टाइम मैनेजमेंट, जॉब भी करनी है और कंपटीशन की तैयारी भी करनी है। अब देख लो आप टाइम कैसे मैनेज करोगे, ये आपके ऊपर है। एक एक मिनट वेस्ट ना करें। दोस्तों के साथ में पार्टियां करनी है और आलस करना है और ऐसा कभी ना करें, क्योंकि यू डोंट हैव टाइम। आप जॉब भी कर रहे हो और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास टाइम कहां है? टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। एक एक मिनट एक एक सेकंड की महत्वता समझे और तैयारी करें। हाँ, आपको जॉब नहीं करनी हो और सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करते हो तो ठीक है, थोड़ा बहुत आपको टाइम और एक्स्ट्रा मिल जाता है, लेकिन आप इधर जॉब भी कर रहे हो, जॉब में तनाव मेहनत हर तरीके से थकान सब वहां मिलती है, उसके बाद भी आपको टाइम निकालकर कंपटीशन की तैयारी करनी है, कितना मुश्किल होता है। तो ऐसे समय में टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करें, टाइम पर फोकस करें। अपनी क्षमता पहचाने, अपनी कैपेबिलिटी पहचाने। ठीक है, आप जॉब भी करो और कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने अंदर से अपने आप से पूछना, क्या मेरे अंदर इतनी क्षमता है, क्या मेरे अंदर इतना पावर है ये मैं जॉब भी कर लूं और कंपटीशन की तैयारी भी कर लूं। कभी कभी होता है ऐसे कि आप कहते हैं ना कि इंसान पहाड़ को हिला सकता है, बिल्कुल हिला सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपके अंदर क्षमता भी तो होनी चाहिए। आपके अंदर वो जोश और जुनून भी होना चाहिए कि मुझे जॉब भी करनी है और मुझे कॉम्पिटिशन की तैयारी भी करनी है। आपके अंदर, आपके खुद के अंदर तो क्षमता है ही नहीं है, खुद के अंदर पावर तो है ही नहीं है, और आप वो करना चाह रहे हो जो आप करना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर पावर नहीं, तो वो कैसे, हाउ कैन यू डू इट, हाउ कैन यू, कांट डू इट इफ यू डोंट हैव कैपेबिलिटी इन योर सेल्फ।
तो अपनी क्षमता पहचाने, अपने पावर को पहचाने कि क्या मैं जॉब के साथ में कंपटीशन की तैयारी भी कर सकता हूं, तभी आप करना, वरना आपके लिए मुश्किल साबित हो सकती है। फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देना, ध्यान रखना, हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी, देन योर करियर, ऑल थिंग्स इज इंपॉर्टेंट देन द हेल्थ। हेल्थ से इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है, ना तो वेल्थ है, ना आपका करियर है, ना फैमिली है, कुछ भी नहीं है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका परिवार आपके साथ रहेगा, आपके पास मनी आएगी, आपके पास सब कुछ आएगा। हेल्थ ही नहीं है तो मनी भी कैसे आएगी, आपका परिवार भी साथ नहीं रहेगा, दोस्त साथ नहीं रहेंगे, रिश्तेदार साथ नहीं रहेंगे। आप जॉब भी कर रहे हो और कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हो, रात दिन अपने आप को उसमें झोंक दिया है, अच्छी बात है, मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे भी बुरी बात, बड़ी बात यह होती है जब आप हेल्थ पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, आप कंपटीशन की तैयारी करो और जॉब भी करो, बाय केस इन एनी चांस जब आपका कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और जब एग्जाम नियर हो आपके और आप बीमार हो गए, आप हेल्थ से वीक हो गए, हाउ कैन यू अटेम्प्ट योर एग्जाम, हाउ कैन यू क्लियर योर एग्जाम, यू कांट डू इट बिकॉज योर हेल्थ इज वीक। आपकी हेल्थ कमजोर होगी तो आप न तो एग्जाम दे पाओगे, न जॉब कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जब इस सिचुएशन में आप फंसे हो ना, दोनों चीज करनी, तो अपनी हेल्थ पर भी जरूर ध्यान देना। तो ये चार चीजें आप याद रखना, जब आप जॉब भी कर रहे हो और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसके साथ ये चीजें जरूर याद रखना, ये आपके बहुत काम आएगी।